हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्रिश कैम्ब्रिज स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइन एंड सेफ। दिस इज द क्लास फॉर फिफ्थ। आर सब्जेक्ट इज ईवीएस एंड द चैप्टर व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इज योर चैप्टर नंबर 3। टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, ओके स्टूडेंट्स, एंड मैम ने आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वी आर स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है खास, ओके। सो हम कैसे हैं? हम हैं खास। सो कुछ आम लोग होते हैं हमारी तरह, कुछ खास लोग होते हैं दूसरे लोगों की तरह। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट वी आर स्पेशल इज व्हाट, द चैप्टर इज अबाउट व्हाट। सबसे पहले आप निकालेंगे आपकी बुक, दिस बुक एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 5th, एंड यू विल कम ऑन पेज नंबर 14th। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। We are special, okay? चलिए, now let's see. Our sense organs, eyes, ears, tongue, मतलब जीभ, nose, मतलब नाक, and skin, मतलब आपकी जो चमड़ी है वो। ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स है। This all of you know, even class first also know this, that eyes, ears, nose, tongue, and skin are your 5 sense organs. Helps us to know the world around us. It helps us to know the world around us. जो दुनिया हमारे आसपास है उसको जानने में ये सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं। आइज की हेल्प से आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक मी, ओके। नोज की स्मेल से, नोज की हेल्प से आप सूंघ सकते हैं, ठीक है। टंग की हेल्प से आप टेस्ट कर सकते हैं। ईयर्स की हेल्प से आप सुन सकते हैं। एंड स्किन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? यस, फील कर सकते हैं बेटा हम स्किन की हेल्प से। सो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग, बट अगर एक भी सेंस ऑर्गन आपका वर्क ना करे तो कितनी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, ओके। यस, इफ योर आईज आर कवर्ड एंड यू आर आस्क्ड टू रीड, देन यू वुड नॉट बी एबल टू रीड, योर आंसर विल बी नो, ठीक है। अगर आपकी आईज को कर दे क्लोज, बंद कर दे आपकी आईज को और कहें कि आप पढ़ के दिखाओ, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। दिस विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू एंड योर आंसर विल बी नो, हम नहीं पढ़ पाएंगे। बट देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन नॉट सी बट दे कैन रीड। बट इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जो देख नहीं सकते, जिनकी आईज आर नॉट वर्किंग, बट वो पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू दे कैन रीड, दे कैन राइट, दे कैन स्टडी जस्ट लाइक यू। इवन आफ्टर दे आर नॉट एबल टू सी, बट ऑल्सो दे हैव ट्राइड सो हार्ड सो दैट दे कैन रीड। Helen Keller was one such person who cannot see, but she was a very famous writer. ठीक है, Helen Keller की बात की गई है, देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे हम। Helen Keller जो कि देख नहीं सकती थी, बट एक बहुत ही फेमस राइटर थी। क्या थी? बहुत ही एक फेमस राइटर थी। कौन थी? Helen Keller, ठीक है, नाम याद रखना है आपको बेटा, Helen Keller. She was not a, you can say, an ordinary person. She was a special person, a special girl who cannot see, but she was a famous writer. Okay, बहुत ही एक famous writer थी। लोग उनकी लिखी हुई books पढ़ते थे जबकि वो खुद देख नहीं सकती थी। So क्या सीखा आपने यहाँ पे कि अगर आपके पास एक sense organ नहीं है या आप किसी भी तरीके से आपका कोई sense organ work नहीं कर रहा है, but अगर आपके अंदर कोशिश है, आप लगन है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, okay. Now this is a question from my side. How do blind people read books? ठीक है, जिन लोगों की आईज नहीं होती बेटा, जो ब्लाइंड होते हैं, वो कैसे रीड करते हैं? आप तो अपनी आईज की हेल्प से आपके सामने बुक आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है, बट द ब्लाइंड पीपल दे आर नॉट हैविंग देयर आईज, वो कैसे रीड करते हैं बुक्स को, ओके। सो यू विल बी राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज योर असाइनमेंट। नाउ देयर इज अ एक्टिविटी इन अ बैग,
keep different types of pen, pencils, sketch pens, etc. So ये activity आप अपने school में तो है नहीं, अपने friends के साथ करेंगे, अपने parents के साथ आप कर सकते हैं. क्या करना है आपको, एक bag लेना है, उसमें बहुत सारे तरीके के pens रखने हैं, pencil रखने हैं, स्केच पेंस रखने हैं, एंड आस्क योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इनसाइड द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ दीज आइटम्स विथ क्लोज आइज. क्या करना है, जैसे ये बैग है, मैंने इसमें बहुत सारा सामान डाल दिया और किसी को कहा आपको उसकी आइज बंद करनी है और फिर बोलना है कि आप इस सामान को पहचानो कि ये क्या है. ठीक है, मतलब आपको बिना देखे, विदाउट सीइंग, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. Similarly, ask all your classmates to recognize each item in turns and see if they are able to recognize. और turn by turn एक एक student को आपको बुलाना है, अपने friend को, अपने fellow को बुलाना है और check करने की क्या वो identify कर सकते हैं बिना देखे, क्या वो पता लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है. So this is the activity you will do at your home with your parents. ठीक है, और आप बहुत सारी तरीके की, ऐसे नहीं है सिर्फ आपको pen pencil ही रखने हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ ऐसी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ जो मम्मी पापा आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. सो क्या करना है, उनकी आईज़ क्लोज करनी है, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस एक्टिविटी यू विल डू, दिस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, एंड आई हैव गिवन यू वर्कशीट ऑल्सो रिगार्डिंग द साइन लैंग्वेज. सो साइन लैंग्वेज में लर्न करने की कोशिश करनी है बेटा आपको, किस तरीके से ए बनता है, किस तरीके से बी बनता है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू थिंग यू विल गेट टू लर्न. अगर आपको साइन लैंग्वेज आती होगी, इफ़ यू विल नो साइन लैंग्वेज, there will be a person who is not able to understand what you are saying, you will be able to make him understand. So what you will do, sign language की भी आपको practice करनी है, and ये सारी activities अपने घर पर करनी है आपको. Okay students, so today we will be reading till here only. I will see you in the next class. Till then take care of yourself and your parents. Bye bye.